हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? और आज हम बनाने वाले हैं एक स्पॉन्जी सा बहुत ही चॉकलेटी केक, जो कि बहुत ही इजीली बन जाता है घर पे और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि हमने कितना टेस्टी और कितना स्पॉन्जी केक बनाया है सिर्फ एक पतीले में, सिर्फ घर के सामानों से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर लिया है एक कटोरी मैदा और एक कटोरी लिया है ऑयल, ये रिफाइंड ऑयल है, और एक कटोरी ली है पिसी हुई चीनी, और ये है कॉफ़ी जिसको हमने अच्छे से पानी में घोल लिया है। फिर यहाँ पर ले लेते हैं ये चॉकलेट एसेंस, और ये है बेकिंग पाउडर, और ये है सोडा। तो यहाँ पर ले लेते हैं, लेंगे हम एक गिलास दूध, और दूध अगर हमको और ज़रूरत पड़ेगी बैटर बनाने में तो हम फिर यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सेम जार लिया है, इसमें मैंने चीनी पीसी हुई थी, तो इस चीनी को हम फिर से इसमें डाल देंगे, और जो ये रिफाइंड ऑयल है तो रिफाइंड ऑयल को भी इसी में डाल देंगे। जो मैदा होता है इसका मेज़रमेंट नहीं होता, जितना मैदा होता है मैदे का हाफ हाफ आपको चीनी और ऑयल लेना होता है। तो उसमें मैंने 3-4 चम्मच दूध डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, जो उसका टेक्सचर एकदम क्रीमी क्रीमी सा हो गया। तो हमें इसकी जो थिकनेस है इसी तरीके का रखना है। तो अब चलते हैं बैटर बनाने के लिए। अब हमने यहाँ पर जो है एक कटोरी मैदा लिया था, इस मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान करके रख दिया है। अब इसको इसमें ऐड कर देंगे, और यहाँ पर अब इसमें हम डालेंगे सोडा, यानी एक है बेकिंग सोडा और एक है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर 1 चम्मच है और बेकिंग सोडा 1/2 चम्मच है, यानी हमने 1/4 के आसपास लिया है। तो जो ये क्रीमी सा हमने एक मिक्सचर बनाया था ऑयल और चीनी का, तो उसको भी ऐड कर देंगे। और यहाँ पर ली है हमने 2 चम्मच कॉफ़ी, इसमें मेन है कॉफ़ी, कॉफ़ी से ही जो ब्राउन कलर है वो कलर आएगा और कुछ खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। तो कॉफ़ी को भी इसी में डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे और इसको धीरे धीरे मिक्स करते जाएंगे। आपको इतना बनाना है कि इसका जो टेक्सचर है बहुत एकदम स्मूथ क्रीमी सा बनाना है। तो दूध की ज़रूरत हमें अगर बाद में और होगी तो हम इसमें और ऐड करेंगे। तो अभी हम इसको बैटर को फिर से मिक्स करेंगे। तो मैंने थोड़ा सा दूध और लिया है और उसको धीरे धीरे अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। बैटर की थिकनेस इतनी रखनी है कि जो बैटर बहुत ही स्मूथली, अगर हम इसको करछी से गिराएं तो बहुत ही स्मूथ गिरे, और उसका टेक्सचर एकदम क्रीमी क्रीमी सा होना चाहिए। अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, फिर आपको दिखाऊँगी कि इसका जो टेक्सचर है वो कैसा होना चाहिए। कि ऊपर से अगर आप गिराते हैं तो इसमें लेयर बननी चाहिए, तो अगर लेयर बनती है तो इसका मतलब आपका बैटर एकदम परफेक्ट बना है। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा एकदम स्लोली स्लोली नीचे गिर रहा है, लेकिन लेयर वाइज। तो इसी तरीके का हमें बैटर चाहिए। इसे हम आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे, तब तक हम अपना प्रेशर कुकर को प्री हीट के लिए रख देते हैं। इससे क्या होगा कि जो हमारा प्रेशर कुकर है वो अच्छे से गर्म हो जाएगा, और जो हमारा केक बनेगा वो बहुत ही अच्छे से अच्छे टेम्परेचर में हमारा केक बनेगा। तो आज हमने ले लिया एक पतीला, ये एक एल्यूमिनियम का पतीला है छोटा सा, और इसको हम अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। ग्रीस हमने कर लिया है बहुत बढ़िया तरीके से। आपके पास ब्रश ना हो तो आप हाथ से भी अच्छे से इसको इसमें पूरा जो ऑयल इसको स्प्रेड करना है बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। तो यहाँ पर हमने लिया है 1 चम्मच मैदा, और मैदे से क्या होता है कि जो आपका बैटर है जब वो पकने के बाद ना स्मूथली, मतलब बहुत आसानी से अपने आप नीचे निकल जाएगा। तो ये मैदा डाल करके इस तरह से हमें पूरे इसमें कोटिंग करनी है। कोट करने के बाद अब हमारा जो बैटर था वो आधे घंटे से रेस्ट पे रखा हुआ था, उसको 1/2 घंटा हो चुका है। अब इसमें हम डाल, देखते हैं कितना अच्छा बैटर फूल गया है बहुत बढ़िया तरीके से। इसमें अब हम डालेंगे चॉकलेट एसेंस। अगर आपके पास चॉकलेट एसेंस नहीं है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, और ये सिर्फ एक चॉकलेटी फ्लेवर के लिए डाला जाता है, बाकी इसमें केक में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो हमारा जो बैटर है एकदम स्मूथ बन चुका है, और एकदम इसका जो केक बनने वाला है ना बहुत ही स्पॉन्जी और सॉफ्ट केक बनेगा। तो आप भी इसी तरीके से ट्राई कीजिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका केक भी बहुत अच्छा बनेगा। तो जो है हमारा बैटर, उसको हम इस पतीले में डाल देते हैं। हाँ, लेकिन हमें जो पतीले में केक डालना है उसको पूरा भर के नहीं डालना है, क्योंकि केक बेक होने के बाद
फूल जाता है और फूलने के बाद ही ओवरलोड हो जाएगा, तो इसलिए हमें जो इसका बर्तन है सिर्फ आधा हाफ देखना है, जब बनने के बाद ना ये पूरा ऊपर तक भर जाएगा। तो हम मैंने इसमें छोटी सी प्लेट नीचे इसलिए लगा ली कि अगर डायरेक्ट हम इस पर रखेंगे तो ये नीचे से जलने का खतरा रह सकता है, लेकिन अभी हमने इसमें एक नीचे से प्लेट लगा दी। अगर आपके पास कोई स्टैंड हो तो आप स्टैंड के ऊपर भी रख सकते हैं। तो मैंने प्लेट रख दी है, उसके ऊपर मैंने पतीला रख दिया है और कुकर हमारा प्री हीट हो रहा था मीडियम आँच पे। तो अब हम इसको स्लो फ्लेम पर इसको अच्छे से 20 मिनट तक हम पकाएंगे। तो 20 मिनट पार्ट हम बाद हमने देखा तो हमारा केक एकदम फूलने लगा है और इसका मतलब बेक हो रहा है। 40 मिनट बाद हमारा केक बहुत ही अच्छा बना था और इसमें हम इसको चेक कर रहे हैं चाकू डाल करके नीचे। अगर चाकू एकदम क्लीन आता है तो इसका मतलब आपका केक बिल्कुल परफेक्टली कुक हो चुका है। तो हम दो तीन बार चाकू को इस तरह से चेक करके देख लेते हैं, मतलब केक बिल्कुल रेडी है। तो केक अब हम नीचे जो हमारा गैस का फ्लेम है जो हमने एकदम स्लो पे किया था तो उसको हम बंद कर देंगे और कुछ देर के लिए उसी में छोड़ देंगे। तो हमने ठंडा होने के बाद बाहर निकाला है, केक बिल्कुल रेडी हो चुका है, बहुत अच्छा बना है, स्पॉन्जी बना है, देख सकते हैं आप कितना अच्छा केक बना है। तो हम इसके ऊपर एक प्लेट रख के इसको उल्टा इस तरह से रख देंगे और केक में बिल्कुल अपने आप बाहर निकल गया। जानते हैं कि केक हमारा कितना स्पॉन्जी बना हुआ है और आप बहुत अच्छी तरह से कुक हुआ है। इसको हमने पहले 20 मिनट हमने स्लो फ्लेम पे बनाया था और 20 मिनट बाद हमने इसकी जो आँच थी ना उसको मीडियम कर दिया था। मीडियम करने से बहुत तेज़ी से पक गया था और उसको एक घंटा लगा बनने में। और आप भी इसी तरह से ईजी केक बना सकते हैं। तो आपको कैसी लगी रेसिपी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कॉमेंट।